हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपने लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। और आज मैं आ गई हूँ फिर से एक और बार आपके सामने एक न्यू रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग होने वाली है कि आपके लिए अपकमिंग वीक कैसा रहने वाला है। एंड दिस इज़ फॉर द टाइम फ्रेम 21st to 27th ऑफ मार्च। एंड ये एक जोडियक साइन के अकॉर्डिंग रीडिंग होने वाली है। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट यहाँ करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही हिट द नोटिफिकेशन बेल, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा ये वीडियो। साथ ही अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पर, विच इज़ सीकर ऑफ द डिवाइन ट्रुथ @gmail.com। एंड अगर आप मुझसे कोई क्रिस्टल परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पर। एंड मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर कनेक्ट करिएगा। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स बिगिन। हेलो एरीज, अगर आप लोगों की राशि मेष राशि है तो देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। नेक्स्ट वीक आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है एरीज राशि, जरूर मुझे बताइए मेष राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा। क्यों वेल ऑफ फॉर्च्यून आ गया, वाओ मेष राशि। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एंड बिलीव इट और नॉट, सबसे पहले यही कार्ड आया था एंड मैंने इसको दोबारा डेक में रख दिया था कि आना होगा तो फिर से आ जाएगा। एंड लेट्स एंड यू कैन सी इट, इट इज़ हियर। तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है मेष राशि आप लोगों के लिए, ये बहुत ही लकी वीक रहने वाला है आज तक का आपके लाइफ में। शायद हो सकता है कि सबसे ज़्यादा लकी दिन हो ये, बिकॉज़ यहाँ पर वेल ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। आपकी लाइफ में बहुत ही बड़े चेंजेस यहाँ पर आने वाले हैं, मूव ऑन कर रही है लाइफ आप लोगों की। साथ ही किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से हमें पता चल रहा है कि आप लोग किसी लीडरशिप पोजीशन को आप गेन कर रहे हैं। साथ ही हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है बॉटम ऑफ द डेक पर, एंड देखो यहाँ पर एम्प्रेस भी है। वाओ अमेजिंग, बहुत ही अच्छा रहने वाला है कि हफ्ता आप लोगों के लिए लग्जरी से भरा हुआ, पैसों से भरा हुआ, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, करियर की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, लव ऑफर कोई आपको रिसीव हो सकता है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कोई दे सकता है। एंड मुझे यहाँ पर लग रहा है कई लोगों की यहाँ शादी फिक्स हो सकती है बिकॉज टू ऑफ कप्स का कार्ड है, या फिर आपको कोई प्रपोजल रिसीव हो सकता है इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ। साथ ही किंग ऑफ वॉन्ड से मुझे लगता है कि आप लोग अपने डर पर यहाँ काबू कर रहे हैं और आने वाले नेक्स्ट फ्यू ईयर्स के लिए या फिर हमेशा के लिए आप कुछ परमानेंट प्लानिंग कर पा रहे हैं एंड अपने फ्यूचर के हिसाब से आप लोग एक्शन ले पा रहे हैं, एक्शन रोल है यहाँ पर। साथ ही बहुत ही पैशनेट रहेगा आपका ये भी, बहुत ही पैशन से भरा हुआ वर्क लाइफ में भी और लव लाइफ में भी। एंड साथ ही यहाँ पर ट्रैवल भी कर सकते हैं कुछ लोग, और मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की कोई जर्नी कंप्लीट हुई है एंड आपकी इस कंप्लीट जर्नी के बाद आपकी लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो गई है एंड बहुत ही सुंदर बदलाव आपको देखने को मिलेंगे अपने इस वीक में। यस, बहुत ही फॉर्चुनेट रहने वाले हैं आप लोग इस हफ्ते एंड पैसे, बहुत ज़्यादा पैसों की बरसात होने वाली है। एंड इसके साथ मेरी एक और एडवाइस लीजिएगा कि आप लोग अपने पैसों के ईगो में मत आइएगा। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा आता है तो आप प्लीज़ उसको डोनेट करिएगा, उसका 1% या 2% कुछ आप डोनेट करिएगा, उससे आप लोग और मनी अट्रैक्ट करेंगे और गुड लक अट्रैक्ट करेंगे। यस मेष राशि, तो अब हम देख लेते हैं आपको क्या एक्शंस लेने की ज़रूरत है इस हफ्ते। मेष राशि को क्या एक्शंस लेने की ज़रूरत है, थैंक यू सो मच। मेष राशि को क्या एक्शंस लेने हैं इस वीक, थैंक यू। मैन टेक एंड लॉन्गिंग फॉर होम बिलोंगिंग द ओरिजिनल लाइट वर्कर्स। एंड यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि लोगों की मदद करने को, और साथ ही यहाँ पर कहा जा रहा है कि अकेले बैठकर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए आप और अपने बारे में सोचिए कि आपको आगे आने वाले टाइम में आपको कैसा देखना है अपना फ्यूचर, आप किस तरह से आप लोग सेटल होना चाहते हैं इन द लॉन्ग टर्म, एंड अपने फ्यूचर की आप प्लानिंग करिए। साथ ही आप लोग यहाँ पर दुनिया के लिए बदलाव, कोई सोशल वर्क कर सकते हैं आप लोग, तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर है डांस विद लाइफ, डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी। अगर आप लोग किसी पेसिमिस्टिक एनर्जी में है, किसी उदास वाली ऊर्जा में है, तो आपको स्पिरिट्स कह रही हैं कि आपको अपनी एनर्जी को चेंज करना है, डांस करना है लिटरली अपनी लाइफ में,
एंड हर चीज़ सेलिब्रेट करना है कि आपके पास इतना सारा गुड लक फॉर्च्यून है, इतनी सब चीज़ें हैं आप लोगों के पास. एंड और कार्ड्स में देख लेती हूँ मेष राशि. एंड मुझे लगता है यहाँ पर आप लोग डिवाइन से भी बहुत कनेक्टेड होने वाले हैं. कुछ लोग यहाँ लाइट वर्कर्स भी हो सकते हैं. बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोगों का इंट्यूशन इस वीक. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. यहाँ पर कृष्णा का कार्ड है. वाओ, लविंग एनर्जी आ रही है आप लोगों के लिए. कोई बहुत ही अच्छे सोलमेट से आप मिल सकते हैं अपने सोलमेट से. एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको वो दे सकते हैं आपके सोलमेट. कफ का कार्ड है. यहाँ पर स्प्रेड्स आपसे कह रही है कि आपको थोड़ा टाइम मदर अर्थ के साथ, मदर नेचर के साथ यहाँ कनेक्ट करने की ज़रूरत है. एंड अपने आपको ग्राउंडिंग एनर्जी में ले जाने की ज़रूरत है. इससे आपकी जो एनर्जी है वो बनी रहेगी इस हफ्ते. साथ ही बॉटम ऑफ द डेक पर है हमारे पास माँ सरस्वती का कार्ड. एंड ये कार्ड हमें बता रहा है कि आपकी क्रिएटिविटी, आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स, आपकी विद्या इस हफ्ते बहुत ही बढ़ने वाली है. माँ सरस्वती की ब्लेसिंग्स आपके पास हैं. अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो आपके फेवर में रहने वाला है ये वीक. अगर आपका कोई रिजल्ट आने वाला था तो ऑल द बेस्ट टू यू गाइज, आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहने वाला है. सो यस, मेष राशि, दैट्स इट फॉर यू गाइज. अगर आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा वीडियो. साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ ही हिट द नोटिफिकेशन बेल. तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.